सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप पे यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो को यूज़ करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया है। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू सॉलिड और यहाँ पे जस्ट इसे करते हैं ओके। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फ्रैक्टल नॉइस। सो यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रैक्टल नॉइस और इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं इसके आइज को क्लोज कर रहा हूँ और जैसे मान लो यहाँ पे जिस भी पॉइंट से मैंने यहाँ पे गन को शूट किया या गन को स्टार्ट किया है, ठीक है, सो मैं उस वाले फ्रेम में यहाँ पे आया जस्ट लाइक दिस। और मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया पेन टूल और मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा किया जूम कुछ इस टाइप से और यहाँ पे आके मैंने इसको किया मास्क जस्ट लाइक दिस कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे जस्ट इसके इसको ओपन करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मास्क के यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ओपन किया और जस्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ फेदर कुछ इस टाइप से। इसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है फ्रैक्टल नॉइस की प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसे यहाँ पे करेंगे डायनेमिक प्रोग्रेसिव और यहाँ पे इसका जो अमाउंट है कॉन्ट्रास्ट का इसे इंक्रीज करेंगे कुछ इस टाइप से और इसे मैं कर देता हूँ ब्राइटनेस को अराउंड 17, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉर्मल जो यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड है, इसे हम यहाँ पे कर देंगे नन सो दैट यहाँ पे जो साइड्स में जो प्रॉब्लम दिख रही है आपको ब्लैक एंड व्हाइट की वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, सो आप यहाँ पे जस्ट इसके स्केल के साइज को यहाँ पे कुछ इंक्रीज कर लो कुछ इस टाइप से लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट अगेन जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे सीसी रेडियल फास्ट ब्लर, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट इसको अप्लाई कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। नाउ वी कैन सी यहाँ पे हमने इसे अप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे ये मिलता है इसका पॉइंट कि हमें यहाँ पे इसको कहाँ पे सेंटर करना है। सो मैं अभी यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट इसको सेंटर कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है अमाउंट इसे मैं कर रहा हूँ अराउंड 90 और 95। सो यहाँ पे हमें कुछ रेज यहाँ पे देखने को मिलेगी इस टाइप से और यहाँ पे जो इसकी जूम की प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ ब्राइटनेस, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट को भी यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट कलर वाइब्रेंस और इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया सो दैट यहाँ पे जो हम कलर्स को चेंज कर सके। एंड गाइस, जो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया कलर वाइब्रेंस, ये मैंने प्लगइन को इंस्टॉल किया वीडियो को पायलट की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसका कलर कुछ भी कर लिया लाइक मैंने इसे कर लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद हम अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फिल एम्पटी बीजी, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है, सो दैट यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है ब्लैक की वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से, बट यहाँ पे ऐड में अभी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे इसे कर रहा हूँ स्क्रीन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लेयर को कट करेंगे कुछ इस टाइप से और जैसे मान लो यहाँ पे मैंने गन को ऊपर किया, सो मैं यहाँ पे इसको जस्ट कर रहा हूँ कट ऑल्ट राइट ब्रैकेट की हेल्प से और अदरवाइज आप इसको यहाँ पे कुछ शिफ्ट कर लो इस टाइप से। नाउ सी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसकी डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल डी की हेल्प से, अदरवाइज यहाँ पे जाएंगे एडिट के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा डुप्लीकेट और मैं यहाँ पे नीचे वाली लेयर की आइज को क्लोज कर रहा हूँ और इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ओपन कर रहा हूँ ब्लैक सॉलिड 3 की जिसकी हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी ली है और इसके मास्क को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से और अभी अगेन मैं यहाँ पे इसकी आइज को क्लोज कर रहा हूँ और इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक अगेन मास्क कुछ इस टाइप से। और इसके आइज को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे मास्क यहाँ पे फेदर को अप्लाई कर दो कुछ इस टाइप से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ग्लो और ग्लो को मैंने जस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कुछ इस टाइप से। नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम ग्लो को अगेन करेंगे डुप्लीकेट कंट्रोल डी की हेल्प से और
इसके यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलती है रेडियस, हम यहाँ पे इसका इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड यहाँ पे इंक्रीज करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है, सो इसके नीचे जो हमारी यहाँ पे लेयर है इसे हम आगे शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, नाउ सी, और इसके आइस को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, नाउ कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये है, जैसे मान लो यहाँ पे जो मेरा सॉलिड है, जो यहाँ पे टॉप की जो यहाँ पे लेयर है, इसके यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर स्ट्रेट है, लेकिन जो यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे इफेक्ट है, इसकी यहाँ पे जो डायरेक्शन है थोड़ी डाउन है। सो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले टूल के ऊपर और इसका जो एंकर पॉइंट है उसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज खोलो, अदरवाइज आर प्रेस करो और यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। आप इसके यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इक्वली होगी क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसके बाद जस्ट अगेन कंट्रोल डी से हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेंगे इस सेकेंड वाले सॉलिड की और इसको शिफ्ट करेंगे नीचे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे शिफ्ट कर लो इसको पीछे की साइड और इस वाले सॉलिड को अगेन आप ले आओ आगे। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे लेंगे इसकी डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल डी की हेल्प से, इसे अगेन शिफ्ट कर लो आगे। अगर आपको अगेन चेंज करनी है पोजीशन तो आप इसको ऊपर कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से रख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर, राइट क्लिक करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसे हम शिफ्ट करेंगे टॉप में और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इफेक्ट रिपल डिलीट रिपल, ठीक है, और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगेन मैं क्या करूँगा, इस लेयर को यहाँ पे कट कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट इस टाइप से, सो मैं यहाँ पे जस्ट इसको शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से यहाँ पे लेयर को, क्योंकि हमें जस्ट सिर्फ इतने पार्ट में हमें यहाँ पे इफेक्ट चाहिए। अब हमने यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको रिपल के यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट फ्रेम में और यहाँ पे की लगाएंगे रेडियस के ऊपर और इसके ऊपर मैं यहाँ पे की लगा रहा हूँ, कुछ फ्रेम आगे गए और मैंने यहाँ पे इसके अमाउंट को कर दिया 0, ठीक है। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर भी आ रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे जस्ट एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट किया और इस शेप के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, सो यहाँ पे एक रफ यहाँ पे मास्क बन जाएगा और यहाँ पे जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ पे मास्क के, मैं यहाँ पे जस्ट इसको शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, सो दैट हमारे जो साइड्स में प्रॉब्लम ना आए जो भी देखने को मिल रही थी। इसके बाद आपको यहाँ पे अगेन इसके कुछ ऑप्शन मिलते हैं, वेव स्पीड आपको कितनी रखनी है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ यहाँ पे देखते हैं कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप मास्क के यहाँ पे जो फेदर अमाउंट है आप थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लो, कुछ 100 कर लेते हैं इसको। इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बल्ज, सो जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे बल्ज और बल्ज को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और जो यहाँ पे बल्ज का जो यहाँ पे साइज है मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ लाइक दिस कुछ इस टाइप से। और आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू भी यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं लाइक हॉरिजॉन्टल रेडियस एंड वर्टिकल रेडियस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको जस्ट कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख दिया। इसके बाद अगेन मैं फर्स्ट फ्रेम में आया और थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ इसको यहाँ पे और मैंने यहाँ पे जस्ट इसका यहाँ पे आपको मिलेगा बल्ज हाइट, मैंने यहाँ पे की लगाई बल्ज हाइट के ऊपर फर्स्ट फ्रेम में आके एडजस्टमेंट लेयर के और कुछ फ्रेम आगे गया लाइक दिस और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया 0। नाउ सी, और यहाँ पे आपको मिलता है टेप रेडियस, आप इसको जस्ट यू नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक शॉक वेव्स यहाँ पे इफेक्ट है, मैं यहाँ पे इसको जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे जस्ट इसका ब्लेंडिंग मोड कर रहा हूँ स्क्रीन और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ टाइम और यहाँ पे कर रहा हूँ टाइम स्ट्रेच और मैं इसको कर रहा हूँ अराउंड 15, ठीक है। और इसको हम जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे कुछ इस टाइप से और जो यहाँ पे इसकी पोजीशन है आप इसको जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दो कुछ इस टाइप से और जस्ट यहाँ पे कन्वर्ट करो इस लेयर को 3D में, आर प्रेस करेंगे रोटेशन और इसको जस्ट थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट अगेन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कलर वाइब्रेंस
और इसका जो कलर है हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ अराउंड ब्लू, ठीक है। नाउ सी, इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हम ग्लो, जस्ट टाइप ग्लो एंड ग्लो को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लो का इंटेंसिटी, मैं इसे अभी कर रहा हूँ अराउंड 5 और यहाँ पे ग्लो रेडियस के ऊपर मैं यहाँ पे जस्ट इसके अमाउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, सो दैट यहाँ पे जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे बॉडी के ऊपर भी आ जाए। नाउ सी, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ ग्लो की। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था फॉर डिस्टॉर्शन, सो इसके ऊपर अभी मैं जस्ट इसे पहले रीनेम कर रहा हूँ लाइक डिस्टॉर्शन, ठीक है, और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर सो दैट हमारे जो इफेक्ट है वो ऊपर आए और जो डिस्टॉर्शन है वो नीचे आए कुछ इस टाइप से। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है कलर का वो कम है बॉडी के ऊपर, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू सॉलिड और इस बार हम कलर यहाँ पे लेंगे कुछ इस टाइप से लाइक दिस, ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसके आइस को क्लोज करेंगे और जितने पार्ट में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, हम क्या करेंगे जस्ट यहाँ पे पेन टूल से उस पार्ट को यहाँ पे करेंगे मास्क लाइक दिस। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं और यहाँ पे जस्ट अगेन मास्क यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे फैदर और अगेन सेकंड मास्क देन अगेन फैदर और यहाँ पे आप इस ब्लेंडिंग मोड को कर दो राउंड ऐड और स्क्रीन, अभी हम इसे कर रहे हैं ऐड, अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हो स्क्रीन कुछ इस टाइप से, ऐड ही कर लेते हैं और यहाँ पे जो इसकी ओपेसिटी है टी प्रेस करेंगे टी फॉर ओपेसिटी और यहाँ पे इसे कर रहे हैं अराउंड 50% और इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम गॉशियन ब्लर और इसको थोड़ा सा हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे रखते हैं और अगेन यहाँ पे मैं इस लेयर को शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से लाइक दिस। नाउ सी, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा लाइट का, आप यहाँ पे इसे अपने अकॉर्डिंग मास्क को यहाँ पे सेट कर सकते हैं जितने पार्ट में आपको यहाँ पे लाइट चाहिए, ठीक है। सो गाइज, कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे इफेक्ट बन चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग सो आप कमेंट कर सकते हैं एंड तब तक ले गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।